Give me. Make tower. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। हमारे एजुकेशन के टाइम पे इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता था, पर अभी के टाइम पे मैक्सिमम स्कूल्स में इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज बना दिया गया है। तो ऐसे में हम पेरेंट्स एक्चुअली एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बच्चों के साथ इंग्लिश में कैसे बात करें। बेसिकली हमें अपने बच्चों को कम से कम दो लैंग्वेज सिखाना होता है, मदर टंग और इंग्लिश। अब मदर टंग तो हमारे लिए बहुत ईजी है, अगर हमें बच्चे को बाइलिंगुअल बनाना है या फिर मल्टीलिंगुअल बनाना है, यानी कि दो लैंग्वेज बोलने वाला या उससे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाला, तो ऑब्वियसली हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। और ये एफर्ट्स हमारे तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज ना समझ के बच्चे की लाइफ का हिस्सा बना दें। कौन से एफर्ट्स और कौन से स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम अपने बच्चे को एक बेसिक इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना या फिर इंग्लिश की छोटी छोटी लाइंस बोलना सिखा सकते हैं, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है वर्क ऑन देयर वोकैबुलरी, यानी कि बच्चों का इंग्लिश का वर्ड्स पहले इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को, उसके बाद हमें उनके ग्रामर पे आना है। डोर ओपन करो। जब उसे पता नहीं है कि दरवाजे को डोर बोला जाता है इंग्लिश में, तो वो कैसे इंग्लिश बोल सकता है? तो आप अगर फुल सेंटेंस में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सिंगल सिंगल वर्ड्स बच्चों को एटलीस्ट सिखाइए। अगर आपको बोलना है कि दरवाजा बंद करना है, तो दरवाजे के लिए आप डोर वर्ड यूज करिए, बंद के लिए आप क्लोज या फिर शट वर्ड यूज करिए। तो इस तरह से एक एक वर्ड को भी अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे, तो बच्चे की वोकैबुलरी डेफिनेटली इंप्रूव होगी, तो इंग्लिश के वर्ड्स तो एटलीस्ट उसको आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि सिंपल फ्रेजेस बच्चों से बात करें। लॉन्ग नेक मेक टावर। स्लीपिंग टाइम, डिनर टाइम, बिकॉज ये हमारे लिए भी इजी होता है और ये बच्चों के लिए समझने में भी इजी होता है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है रीड। यहाँ पे जब मैं 2 साल के बच्चे के लिए स्टोरी रीड कर रही हूँ, तो मेरा एम है कि बच्चे को वर्ड्स बताना, नए नए वर्ड्स सिखाना। बेनी राइट्स अ पोएम। व्हाट डज ही राइट? पोएम। बेनी लव्स हिज ग्रैंडमास हाउस। ग्रैंडमास हाउस। कैरिंग। कैरिंग। ट्रैश बैग्स। ट्रैश बैग्स। बेनीज रूम इज डर्टी। हर मम्मा इज एंग्री। यहाँ पे 4 साल की बच्ची स्टोरी पढ़ने का ट्राई कर रही है, उसको रीडिंग नहीं आती है, लेकिन उसने इतनी बार ये स्टोरी सुनी हुई है मुझसे कि उसको इंग्लिश के लाइंस याद हो गए हैं। स्लिप्स ऑन द बनाना पील एंड हर्ट्स और बैक। जितना हो सके बच्चों के लिए पढ़िए। इस पे मैंने हमेशा ही स्ट्रेस दिया है कि स्टोरी बुक्स बच्चों को आप बहुत ही अर्ली एज से स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टोरी बुक का सिर्फ हमारा ये एम नहीं होता है कि बच्चे को स्टोरी समझ में आए, बच्चे को बेसिकली हम वो वर्ड्स बार बार वही स्टोरी पढ़ पढ़ के वो वर्ड उसके दिमाग में डाल रहे होते हैं, ताकि बच्चे की वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स वो ज़्यादा सीखे, और उसके बाद वो उन ग्रामर को भी अप्लाई करने लग जाए। स्टोरी के साथ साथ आप राइम्स रीड कर सकते हैं। Little hands to tap tap tap. Two little legs go tap tap tap. When I call you. Give me. When I ask you. Mummy and daddy. फर्स्ट 3 चीज़ें जब आप बच्चों के रेगुलर लाइफ में आपने डाल दिया है, तब आपको 4th स्टेप पे आना है, यानी कि उनके ग्रामर पे आपको वर्क करना है। उसमें भी हेल्प करने का हमारा एक तरीका होना चाहिए। He's helping his mama. Okay. मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरी बेटी कोई भी रॉन्ग लाइन बोलती है, कोई भी ग्रामर मिस्टेक करती है, तो मैं उसी लाइन को दोबारा रिपीट करके उसको क्वेश्चन मार्क करके पूछती हूँ, ताकि उसको अपने आप ही समझ में आ जाए कि उसकी वो लाइन जो थी वो करेक्ट करके मैंने बोली है। इससे क्या होगा कि बच्चे को ये नहीं लगेगा कि बच्चे ने रॉन्ग बोला है, इनडायरेक्टली हमारी करेक्ट लाइन वो कैच कर लेगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को क्रिटिसाइज ना करें उनकी इंग्लिश पे। दूसरा, इमीडिएटली करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम पेरेंट्स की टेंडेंसी होती है कि हम बच्चे की गलती अगर कुछ होती तो हम इमीडिएटली उसको करेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना है, स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में अगर वो ट्राई कर रहे हैं और अगर इमीडिएटली हम उनको करेक्ट करने लग जाएंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो सकता है। तो इसीलिए आपको पॉजिटिवली उनको एंकरेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कुछ प्रैक्टिकल बातें, जैसे कि बहुत से पेरेंट्स ये पूछते हैं कि हमें बच्चे को इंग्लिश कब से सिखाना होता है। जितने कम एज में बच्चे को आप मल्टीपल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चा उतनी ही जल्दी कैच करता है वो लैंग्वेजेस। दो
साल के बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाना ज़्यादा ईजी है और बड़े बच्चों को सिखाना डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या दिन भर बच्चे से इंग्लिश में बात करना ज़रूरी है, और अगर हमने नहीं किया है तो क्या बच्चे को इंग्लिश नहीं आएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोलना आसान होता है बट ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, बिकॉज हम जितने फ्लुएंट अपने मदर टंग में होते हैं उतने फ्लुएंट दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं होते हैं। इस चीज़ को फॉलो करने का बहुत ही आसान तरीका है कि एक पार्टनर हमेशा रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि वो उसी लैंग्वेज में बात करेगा और दूसरा पार्टनर अपने मदर टंग में बात करेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं आप उनके लिए इंग्लिश का टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इतने से इतने टाइम तक आप बच्चे से सिर्फ इंग्लिश में ही कन्वर्स करेंगे, बात करेंगे, और उसके अलावा जो भी टाइम है बच्चा अपने मदर टंग में बात कर सकता है। तो छोटे बच्चों से आप जितना हो सके इंग्लिश वर्ड यूज़ करिए, इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ करिए, जो भी मैंने आपको बताया इस पूरे वीडियो में, तो वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।